अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल होम इकोनॉमिक्स। आज हम बनाएंगे मटन पुलाव। आपने पूरी वीडियो एंड तक देखनी है ताकि आपको इसके तरीके का पता चले। इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार बनेगा। इससे पहले मैं आपको कहती चलूँ कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन को दबाना है। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको अज्जा बता देती हूँ। चावल मैंने लिए हैं 1 kg और मैंने 1 glass से इनको नाप लिया है, ये 3 glass हैं। और मटन मैंने लिया है 1 kg। मटन में से मैंने चर्बी निकाल दी है, अगर हम इसमें चर्बी डाल लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा ऑयल हो जाएगा। इसके अलावा मेरे पास है लहसुन अदरक का पेस्ट 2 teaspoon और ये मैंने मिक्स मसाले लिए हैं, इनमें जायफल है, दालचीनी है, बे लीफ है, काली मिर्च और बड़ी इलायची, 2 लौंग हैं। आपने बहुत ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करने, इससे टेस्ट अजीब सा आता है। और 2 टमाटरों का मैंने पेस्ट लिया है, 1 normal size का प्याज काट लिया है बारीक, नमक मैंने लिया है 4 teaspoon और जितने आपके चावलों के गिलास हैं उतने आपने नमक के स्पून डालने हैं। इसके बाद मैंने रेड मिर्च ली है 2 teaspoon। इस रेड मिर्च का टेस्ट ज़्यादा तीखा नहीं है इसलिए मैंने 2 teaspoon ली है। अगर आपके पास रेड मिर्च का टेस्ट ज़्यादा तीखा है तो आप अपने जायके के हिसाब से उतने स्पून डाल दें। इसके बाद मेरे पास है ज़ीरा 2 teaspoon और ये मेरे पास चिली फ्लेक्स है 1 teaspoon। सबसे पहले हम मटन की यखनी बना लेंगे, मटन को गला लेंगे और जो यखनी का पानी होगा उसको हम चावलों में ऐड करेंगे। मटन मैंने डाल दिया है, इसमें आपने पानी इतना डालना है कि वो पानी फिर चावलों के लिए पूरा आ सके। पानी कम है इसमें मैं और पानी डालूंगी। अब मैं इसमें मज़ीद पानी ऐड करूंगी ताकि ये पानी फिर चावलों के लिए भी पूरा आ सके। मटन जब आपने गलाना है तो इसमें आपने नमक ऐड कर देना है, नमक डालने से मटन जल्दी गल जाएगा। मटन को मैंने गलने के लिए रख दिया है कुकर में, इसको हम 15 से 20 मिनट बाद खोल लेंगे। और पतीले में मैंने तेल गर्म कर लिया है, इसमें अब हम प्याज डालेंगे। प्याज को हमने ब्राउन होने तक भून लेना है। प्याज को हमने ब्राउन कर लिया है, अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इसके साथ ही इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट और ये गरम मसाले शामिल कर देंगे। थोड़ा सा भून लेंगे। लहसुन को हमने 2 से 3 मिनट के लिए भूनना है, अगर आप इसको अलग से नहीं भूनेंगे तो लहसुन का आपको कच्चा जायका होगा। लहसुन भून चुका है, अब हम इसमें बाकी मसाले ऐड कर देंगे। सबसे पहले हम जीरा ऐड करेंगे, फिर रेड मिर्च ऐड करेंगे, इसके बाद हम नमक ऐड करेंगे। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि नमक हमने यखनी में भी ऐड किया है, इस हिसाब से हमने इसमें 1 स्पून कम ऐड करेंगे। और चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। इन तमाम मसालों को हमने अच्छे से भून लेना है। मसाले जब थोड़ा सा भून जाएं, तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इनको भूनना है, उसके बाद हम इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे। फिर हमने इसको अच्छे से भून देना है, आपने ज़्यादा जल्दी नहीं करनी बल्कि आपने मसाले को अच्छे से भून कर तैयार करना है। चावल आपके पास किसी भी किस्म के हों, आपने उनको अच्छे से ऐसे ऐसे करके धो लेना है, रगड़ रगड़ के धो लेना है। इससे ये होगा कि चावल आपस में जुड़ेंगे नहीं। मेरे पास बासमती चावल है, उधर से मैंने मसाला भूनने के लिए रख दिया है और मसाला जब भूनने का मरहला है उस वक्त मैं चावलों को धो रही हूँ।
को मैंने भिगो कर रख दिया है। मुख्तलिफ चावलों का मुख्तलिफ हिसाब होता है, कुछ चावलों को ज़्यादा जल्दी भिगोना पड़ता है। ये चावलों को मैं पहले ट्राई कर चुकी हूँ, इसलिए मुझे पता है कि इनको जब तकरीबन तड़का तैयार हो जाए उस वक्त इनको भिगो कर रखना है। गोश्त गल चुका है, ये देखिए मैं इसको चम्मच की मदद से चेक कर रही हूँ, गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका है। गोश्त को आपने बहुत ज़्यादा नहीं गलाना और ना ही इसको थोड़ा सख्त रखना है। अगर आप ये कहें कि चावलों में गोश्त हो जाएगा तो ऐसा आपने नहीं करना, गोश्त को आपने सही तरह से गला लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं गलाना कि ये टूटना शुरू हो जाए। गोश्त को अब हम मसाले में ऐड करेंगे। इसको गोश्त को हम मसाले में थोड़ा सा भून लेंगे, इसके बाद फिर हम इसमें यखनी ऐड करेंगे। गोश्त को थोड़ा सा भूनने के बाद हम इसमें यखनी का पानी ऐड कर देंगे। चावल 3 गिलास हैं तो इसमें मैं यखनी का पानी ऐड करूंगी 5 गिलास। गिलास मैंने पहले ही नाप के रख लिए हैं पानी के। पानी में आपने नमक चेक कर लेना है, नमक पानी में ज़्यादा तेज़ होना चाहिए। अगर पानी में नमक तेज़ होगा तो फिर चावलों में वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अभी पानी पकना शुरू हो गया है तो हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। पानी में भिगोया था वो पानी हमने चावलों का निकाल दिया है, अब हम चावलों को इस उबलते हुए पानी में डाल देंगे। चूल्हे की आँच हम हल्की कर लेंगे और इस पर तवा रखेंगे। तवे के ऊपर हम चावलों का पतीला रखेंगे और कपड़े को गीला करके हम इसे दम देंगे। ये देखें ये गीला है, अब हम इसको चावलों को हम अच्छे से ढांप देंगे और ऊपर से इसका ढक्कन बंद करके हम 15 से 20 मिनट के लिए इन्हें दम पे रखेंगे। चावल पककर तैयार हो गए हैं, हमने इनको दम से हटा दिया है। आप देखें गोश्त भी हमारा कितना अच्छा गल भी गया है और बहुत ज़्यादा भी नहीं गला, क्योंकि अब हम इनको सर्व करते हैं। चावल सर्विंग के लिए तैयार हैं, मटन पुलाव हमारा तैयार हो चुका है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। और एंड पे फिर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।